थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल दी ऑडियंस, इतना प्यार दिया आपने, विश्वास रखा हमारे काम पे। एक्चुअली अभी और होगा धीरे धीरे, जैसे कहानी खुलेगी हम कहानी में प्रोग्रेस करेंगे। अली मरियम के सीन्स की बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार हो रहा था सबको, माशाल्लाह वो आने लगे हैं धीरे धीरे करके, अब तो और आएंगे। आज भी इनफैक्ट जो हम शूट कर रहे हैं वो अली मरियम के ही सीन हैं, तो ऑडियंस के लिए बहुत सारे सरप्राइज आने हैं बाकी। नाकाबंदी का ऐसा सीन था कि अली को इतना इल्म नहीं है कि क्या हिसाब है क्या नहीं है, वो सिर्फ उसको छोड़ने के लिए जा रहा था, तब वहाँ पे उसको पहली बार बताती है कि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं जिन्होंने उसके अब्बू का कत्ल कर दिया था उसकी आंखों के सामने। तो अली उसकी मदद करने के लिए बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूँगा नाकाबंदी पार कराने में। तो कैसे अली अपनी तिकड़म लगा के अपनी चालाकी से उसको हेल्प कराता है कि वो वापस अंदर आ पाए, तो बस यही सीन था जो हमने कल किया था। आज का ये अली का सीन है कि एक होता ना कि आग के अगर बहुत पास जाओ तो हाथ जल जाता है, तो मरियम हमारी आग है और हम उसके बहुत पास गए, हमारा हाथ जल गया और अब उसका खामियाजा हमें ऐसा उठाना पड़ रहा है कि जो हमारे पीछे जितने भी ये स्लेव ट्रेडर्स हैं ये हमारी जान के पीछे पड़ गए। तो मैं यहाँ पे किसी की मदद कर रहा हूँ, वो मुझे ढूंढ रहे हैं, बस एक ऐसा हिट एंड मिस है कि अब यहाँ से मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूंगा, कि अली दूसरों को तो बचा लेता है लेकिन खुद अपनी मुसीबत से कैसे निकलता है। जाते जाते सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा थैंक यू सबको कि आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, माशाल्लाह टीआरपी वापस हम वी गेन बैक द ट्रस्ट विच वी नेवर लॉस्ट बाय द वे, बट स्टिल वी वांट टू वर्क रियली हार्ड। हम चाहते हैं कि आप हमारा शो बहुत इन्जॉय करें, हम बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत सारे ट्रैक्स आने बाकी हैं, बहुत सारी कहानियाँ आनी बाकी हैं। अभी तो कहानी की सिर्फ एक शुरुआत हुई है, महीना भर शो को हुआ है जुम्मा जुम्मा, अभी तो बहुत लंबा सफ़र तय करना है आपको और हमको साथ में मिलकर, बट उम्मीद ये है कि ये सफ़र बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहे, आपको बहुत मज़ा आए, बस यही एक उम्मीद है, आप हमारे साथ बने रहें और हमें क्या चाहिए।